नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है। खेल की खबरों के साथ मैं हिमांशु सिंह। बात करेंगे आईपीएल 11 की। आईपीएल 11 में 23वां मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में था। टॉस मुंबई ने जीता, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवर में सिर्फ 118 रन ही बना पाई। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 187 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मुंबई की टीम 87 रन पर ऑल आउट हुई है। 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मुंबई की टीम 57 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मुंबई की टीम की तरफ से सिर्फ दो बल्लेबाज रन बना पाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 रन बनाए, वहीं कृणाल पांड्या ने 24 रन बनाए। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। ये सबसे बड़ा रीजन था जो मुंबई इंडियंस ये मैच पूरी तरह से हार गई। पहले भी देखा गया है कई मैचों में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। खुद कप्तान रोहित शर्मा अपने टैलेंट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुंबई इंडियंस अंक तालिका में बहुत पीछे चल रही है, अभी 7वें नंबर पर मौजूद है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 3रे नंबर पर पहुँच चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बल्लेबाजी तो की, लेकिन उनका भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। शिखर धवन 5 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं विलियमसन 29 रन बनाकर आउट हुए। यूसुफ पठान ने भी 29 रन बनाए। इन दोनों पारियों में देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की तरफ से सिर्फ दो छक्के लगे। एक यूसुफ पठान ने लगाया, दूसरा किरण पोलार्ड ने लगाया था। आज का मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। आईपीएल 11 में पहली बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने होंगी। जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कोहली होंगे, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के एक्सपीरियंस खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी आमने सामने होंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।